हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में। रेशम कीट का जीवन चक्र मुख्यतः चार भागों में बंटा होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क कीट। रेशम का एक वयस्क कीट एक बार में 300 से 400 अंडे देती है, जो पीले सफेद रंग की होती है। अंडे से 10 दिन में लार्वा निकलता है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई 4 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक होती है। लार्वा पत्तियां खाकर तेजी के साथ वृद्धि करती है तथा 30 से 40 दिनों में पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेती है। फिर लार्वा खाना बंद कर अपने चारों तरफ रेशम का स्त्रावण कर एक खोल का निर्माण करता है, जिसमें करीब 3 दिन लगते हैं। इस रचना को कोकुन कहते हैं। कोकुन के अंदर लार्वा एक प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। कोकुन के अंदर प्यूपा 12 से 15 दिन में कायांतरण करके पूर्ण कीट का निर्माण करता है, जो कि कोकुन को काट कर बाहर निकल आता है। यह वयस्क कीट प्रजनन कर फिर से अंडे देता है और इस प्रकार रेशम कीट का जीवन चक्र चलता रहता है। लार्वा द्वारा तैयार कोकून सफेद या पीले रंग का होता है। इसी कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। आपको पता है, एक कोकून से 1000 से 2000 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त होता है। रेशम की प्राप्ति के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।